subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में जमकर हंगामा हुआ है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में शादी समारोह था और खाना नहीं मिलने से नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खाने के काउंटर पर तोड़फोड़ की और प्लेट भी तोड़ दी। ये नहीं, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मीडिया से भी बदसलूकी की। ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव जी हिंदुस्तान इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है, जहां आपको बता दें पटना से तस्वीरें हैं, जहां लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में ये हंगामा हुआ। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में शादी समारोह है और खाना नहीं मिलने से नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां खूब हंगामा किया। तस्वीरें देखिए, लाठी डंडों से स्टॉल्स को भी तोड़ दिया गया और यहां हंगामा हुआ खाने को लेकर। तो तेज प्रताप यादव की शादी में हंगामा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खाने के काउंटर पर तोड़फोड़ की और प्लेट तोड़ डाली। यही नहीं, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मीडिया से भी बदसलूकी की। ये तस्वीरें देखिए। जी हिंदुस्तान इन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव तौर पर आप तक पहुंचा रहा है। आशुतोष चंद्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या है ये मामला, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें हालांकि सब कुछ बयां कर रही है, किस वजह से हंगामा हो गया? देखिए, ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे शादी में, और आरजेडी के नेता भी ये बता रहे थे और उसी हिसाब से इंतजाम भी किए जाने चाहिए थे, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाए। और जैसे ही शादी समारोह खत्म हुआ, उसके बाद कार्यकर्ता खाने की तरफ बढ़े और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को खाना मिल नहीं पाया। उसके बाद लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, जब हम लोग कवर कर रहे थे तो हम लोगों के साथ बदतमीजी भी की गई, बदसलूकी की गई। तो आरजेडी के नेताओं को ये पहले समझना चाहिए था कि जब इतने बड़े तादाद पर आप निमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो इंतजाम भी वैसे ही होने चाहिए थे। और सबसे खास बात यह है कि जो कैटरर्स बुलाए गए थे वो यूपी के थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऑन कैमरा वो बोलने से बच रहे थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि बिहार आकर मैं लोगों को यूपी का स्वाद दे जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से व्यवहार किया गया है ये वाकई उनके लिए भी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो को या फिर तेजस्वी यादव को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की व्यवस्था का क्या मतलब था। बिल्कुल, तमाम लोगों को निमंत्रित किया गया था, एक तरह से नुमाइश अपने ताकत की करने की कोशिश भी की गई थी लालू यादव एंड फैमिली की तरफ से, और ऐसे में तमाम लोग जब पहुंचे और ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आशुतोष, इसके अलावा जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम में कोई हताहत हुआ, कोई जख्मी हुआ या फिर किस तरह से भी हालात है वहाँ? देखिए, किसी के जख्मी या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि लाठियां जरूर चली थी, और सबसे खास बात यह है कि भगदड़ की स्थिति हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो भी एक्टिव नहीं थे, वो भी मुख्य दर्शक बने हुए थे, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा थी और उसको संभालना संभव नहीं हो पा रहा था, और ना ही कोई आरजेडी का कोई लीडर था वहां पर जो पूरे मॉब को कंट्रोल कर सके, आरजेडी कार्यकर्ताओं को संभाल सके, और ऐसी परिस्थिति में ये तस्वीर सामने निकल कर आई। और आशुतोष, ये पूरा मामला खाने को लेकर था सिर्फ? विशेष तौर पर ये पूरा मामला खाने को लेकर के ही था, और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है जब लोग दूर दराज से आ रहे थे तो उन्हें उम्मीद थी कि जब वो शादी समारोह में शामिल होंगे तो उन्हें खाना भी मिलेगा और वो खाना भी खाएंगे। लेकिन जैसे ही शादी समारोह खत्म हुआ, वहां पर वापस वो काउंटर पर पहुंचे और तब तक खाना खत्म हो चुका था, जिसके बाद जो चीज बची हुई थी उसके साथ लूटपाट शुरू हो गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई, नाराज लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हालात जो बेकाबू हो गए। जी चलिए आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो तस्वीरें देखिए, जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव तौर पर आप तक पहुंचा रहा है। तेज प्रताप यादव की शादी में यह हंगामा, खाने को लेकर मचा बवाल।